हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर बनाएंगे हम फेस्टिवल स्पेशल पार्टी वेयर और सिंड्रेला गाउन, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल से तरीके के साथ मैं आपको फुल डिजाइनिंग बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है। और साथ ही देखें, यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो डिजाइनिंग में यूज होगा। यहाँ पर मैंने लिया है सिक्वेंस वर्क की, नेट है, बहुत ही प्यारा सा वर्क है। साथ ही यहाँ पर मैं जो अंदर लाइनिंग के लिए यूज करूंगी वो मैंने साटन लिया है, क्योंकि साटन की जो शाइनिंग होती है बहुत अच्छी होती है, उससे हमारा जो नेट है वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये कॉटन का लाइनिंग लिया है, जो बेसिक सा लाइनिंग होता है हम यूज़ करते हैं, 2 मीटर ये है, और 3.5 मीटर मैंने साटन ली थी। और यहाँ पर ये देखो, ये प्लेन वाली जो नेट है, ये थोड़ी हार्ड वाली आपको लेनी है, यहाँ पर मैंने ली थी टोटल 10 मीटर। ये था बेसिक सा फैब्रिक। और साथ ही इसका वॉल्यूम और अच्छा घेर बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे कैनकैन, यहाँ पर ली है मैंने 3 मीटर। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाला जो टॉप पार्ट होता है ना, उसकी कटिंग करेंगे। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट रखे हैं, टॉप पार्ट कट करेंगे। लंबाई यहाँ पर 13 इंच ली है। अब सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर यहाँ पर लिया है मैंने 5.5 इंच और आर्म और लेंथ भी यहाँ पर 5.5 इंच लेकर इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी। इसके बाद हमें चेस्ट की फिटिंग के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पर मैं लूँगी 7 इंच, कमर की फिटिंग लूँगी 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मैंने कमर की फिटिंग लगाई, यानी कि 6.5 इंच पर, और 2-2 इंच का रखूँगी मार्जिन। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये मार्किंग की। अब यहाँ पर आर्मोल्स को गोलाई देंगे। ये देखिए, बैक आर्मोल्स को गोलाई देनी है करीब 1 इंच की दूरी से। उसके बाद फ्रंट आर्मोल्स को गोलाई देंगे और इसी मार्किंग पर यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये आपका 7 से 8 साल की बच्ची के लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इस तरीके से एकदम परफेक्टली गाउन बना सकते हो। अगर आप इससे बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हो, यानी कि अगर जो साइज़ है वो उससे ज़्यादा है, तो बस आपको थोड़ा सा मेजरमेंट में फ़र्क रहेगा, लेकिन डिज़ाइन ने बिल्कुल सेम तरीके से कर आप गाउन बहुत ही ईजिली इस वीडियो को देख कर बना सकते हो। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के 1/2 इंच शोल्डर को डाउन दिया और आर्मोसी कटिंग की। उसके बाद यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे नेक के लिए। 2 इंच की चौड़ाई ली और 2.5 इंच की गहराई लेकर गोल इस तरीके से निशान लगाया और नेक की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें बैक नेक के लिए भी 2 इंच की ही चौड़ाई रखनी है विड्थ, और जो गहराई यानी कि डीपनेस वो भी 2 इंच लेंगे और गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमने ये लाइनिंग कट कर लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो, इनको इस तरीके से यहाँ पर हम ओपन करके रखेंगे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर जो हम नेट यूज़ करेंगे ना, वो नेट यहाँ पर हमें लेनी है और इनके ऊपर इस तरीके से रखकर सेट करेंगे। और देखिए, इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल नेट के नीचे लाइनिंग को इस तरीके से रखना है और कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद जो नेट वाला फैब्रिक है उसको अलग रखेंगे। यहाँ पर जो नेट वाला फैब्रिक है मैंने टोटल 1 मीटर लिया था, ठीक है, 1 मीटर यहाँ पर हमारा यूज़ हुआ है। अब देखिए, आपको क्या करना है, फैब्रिक को इस तरीके से डबल कर लेना है, जो हमने ये लाइनिंग कट की है। ये फ्रंट वाला पार्ट है, शोल्डर की साइड से 2 इंच पर मार्क करेंगे और जो गले के नीचे की साइड से हम 1.5 इंच पर लगा कर इस तरीके से हम शेप देंगे, हल्का से गोलाई देते हुए। अब इसके बाद यहाँ पर बैक वाले पार्ट पर भी हम 4 इंच पर लगाएंगे और नीचे गले से नीचे लेंगे 8.5 इंच, और इस तरीके से मिलाकर एक वी शेप यहाँ पर बन जाएंगे जब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत तिरछा हमारा बैक वाले निशान पर आया है, और जो फ्रंट वाले पर मार्क किया था वो हल्का गोलाई में लगाया था हमने। अब देखिए, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये वाले जो ऊपर वाले पार्ट्स हमने कट किए, इनको बिल्कुल अलग रखेंगे। अब ये देखिए, ये फ्रंट और बैक पार्ट है, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट जो उसको थोड़ा प्रिंसेस कट में बनाएंगे और बैक में हमें थोड़ा सा डीप रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये लाइनिंग ली है, लाइनिंग के ऊपर इनको उस तरीके से रखेंगे राइट वाली साइड को मिलाते हुए। उसके बाद हम दूसरा वाला पीस लेंगे लाइनिंग का, उसके ऊपर बैक वाले पार्ट को रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको रखना है, और इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से हम वो निकाल लेंगे। बिल्कुल बराबर शेप में यहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही बेसिक सा तरीका है। आपको लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक यानी कि मेन जो हमारा इनर है उसको रखना है और बराबर कटिंग कर लेनी है।
गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सुपर किटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फेस्टिवल सीजन एकदम स्टार्ट हो चुका है और आपके साथ मैं बहुत ही प्यारी प्यारी अमेजिंग ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप मेरे वीडियो मिस ना कर पाए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अब देखिए, जहाँ पर मैंने ये चौक के निशान लगाए हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल इसी शेप में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद एक कट यहाँ पर लगाएंगे कॉर्नर पर और एक यहाँ पर, यानी कि सेंटर पर कट लगाएंगे, और फ्रंट वाले पार्ट पर यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी दूर से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको टर्न करेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको टर्न कर लेना है और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। और ऐसे ही ये जो बैक वाला पार्ट है इसको भी हम टर्न करेंगे, यानी कि पलट लेना है, और पलट कर इस पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा ली है। फ्रंट और बैक के जो लाइनिंग है टॉप के हमने तैयार कर लिए हैं। अब जो नेट वाला पीस हमने कट किया था इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, बैक वाला रख लिया। अब फ्रंट वाला लेंगे, इसको भी देखेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर हमारा सेट आ जाएगा। अब इसको हम चारों तरफ सिलाई लगा कर अटैच कर लेंगे, और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसके जो लाइनिंग है और मेन जो फैब्रिक है नेट है उसको हमें सेंटर से कट कर लेना है। इस तरीके से डबल आपको करना है, और जो फोल्डेड वाली साइड है ये सेंटर है, यहाँ से कट कर टू पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। देखिए, बैक के जो है वो इस तरीके से टू पैनल्स हो जाएंगे, दो पैनल्स हमारे लाइनिंग के हो गए और दो ही हमारे मेन फैब्रिक के हो गए। अब लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन्हें सेट कर लेना है। अब साथ ही बैक पे हम लगाएंगे चेन, यानी कि यहाँ पर हम इस पर जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये जिप ली है, इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे, और देखो चेन को इस तरीके से कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए, दूसरी साइड से भी ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे और चेन को कवर करेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने चेन अटैच कर लिया। मैंने इसे ऊपर तक बंद नहीं करना, क्योंकि अगर हम ऐसे बंद कर देंगे तो जो लॉक है वो निकल जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर से आपको कट कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, आप दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, साथ ही यहाँ पर हमें शोल्डर की सिलाई लगानी है। चेन यहाँ पर हमने अटैच कर ली थी। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको राइट साइड पर टर्न करेंगे। टर्न कर देखिए, इस तरीके से टॉप पार्ट इतना कंप्लीट हो गया है। अब इसके नेक को फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर मैंने ये नेट में से 1.5 इंच चौड़ी उरेप पट्टी कट की है, जिससे हम यहाँ पर नेक को फिनिशिंग देंगे। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। इसको इस तरीके से डबल करेंगे और जो हमारे नेक की रोंग वाली साइड है उस पर रखेंगे, यानी कि गले की पीछे की तरफ रखेंगे, आगे की साइड 1/2 इंच निकालते हुए, और यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, नेट की जो स्ट्रिप है उसको मैं डबल करके रख रही हूँ। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद ये जो मार्जिन है इस पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद जो आगे साइड 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको फोल्ड करेंगे, ये देखो इस तरीके से, और एक बार राइट साइड पर टर्न करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। जो नेक है वो बहुत ही ईजीली और बहुत ही सिंपली बनकर तैयार है। अब देखें, यहाँ पर देखें बैक साइड से कुछ इस तरीके से नजर आएगा, बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये, और बहुत ही स्टनिंग इसका लुक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने ये नेट ली है, प्लेन नेट है, जिसमें से मैं स्लीव्स बनाकर तैयार करूँगी। इसकी चौड़ाई 15 इंच है और लंबाई यहाँ पर 12 इंच ली है। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी स्लीव्स की लेंथ चाहिए उसका मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगाया 4 इंच, और दूसरी साइड मैंने लगाया यहाँ पर नीचे की साइड 2.5 इंच, और इस तरीके से शेप दी। ये देखो, पफ स्लीव्स बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और नीचे की साइड भी गैदर्स आएंगे तो बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही इजीली पफ स्लीव्स बनकर तैयार होंगी। जब हम कुछ भी इस तरीके की डिज़ाइनिंग करते हैं ना, तो मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है ना उसका मज़ा ही अलग होता है। ठीक है, तो देखें, यहाँ पर पहले आगे की साइड में मशीन से ही गैदरिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि हम मशीन से ही करेंगे। सुई धागे से बारीक बारीक टाँके लगाएं और हल्का सा खींचते हुए बिल्कुल सेम तरीके से गैदर्स बनेंगी। बस मुझे थोड़ा सा मशीन से आसान भी लगता है और जल्दी भी हो जाता है। अब इसके बाद ऊपर की साइड भी देखें, मैं यहाँ पर गैदरिंग कर रही हूँ मशीन से ही। दोनों साइड यहाँ पर मैंने गैदरिंग कर ली और बहुत ही अच्छा से एकदम पफ बनकर तैयार हुआ, फूला फूला यहाँ पर ये बनकर तैयार हुई है। लंबाई 3.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। अब इसके राइट वाली साइड पर हम इस
उसको रखेंगे स्लीव्स को, और मोहरी वाले आगे की जो साइड है यानी कि मोहरी वाली जो साइड होती है उसको रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अगर थोड़ा इस पट्टी के अकॉर्डिंग अगर ये ज़्यादा हो रही हो तो आपको हल्की हल्की और गैदर्स डालकर एडजस्ट करना होता है। ये देखें यहाँ पर मैंने इस पट्टी पर इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये पेस्टिंग ली है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है, इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस तरह कवर करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखो यहाँ पर पॉइंट की यानी कि किनारे की सिलाई लगाकर ये अटैच हो जाएंगी और बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही, देखिए कितनी सिंपल तरीके से पफ स्लीव्स बनकर तैयार हुई है। अब इसको फोल्ड करेंगे, फिटिंग की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही स्लीव्स बनाकर तैयार कर लिए। देखिए इस तरीके से आगे की साइड मैंने स्ट्रिप लगाई है, एक पट्टी यहाँ पर मैंने डिज़ाइन करते हुए इस पर अटैच की है और पफ स्लीव्स हमारी बनकर तैयार है। अब टॉप पार्ट पर हम दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लेंगे, साथ ही फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। टॉप पार्ट यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। अब आप देखें यहाँ पर मैंने ये बॉटम की कटिंग करने के लिए फैब्रिक लिया है, यानी कि नीचे का घेर तैयार करेंगे। टॉप पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करते हुए रखा है और देखें उसके बाद एक कोने को पकड़ते हुए इस तरीके से दूसरी साइड मिलाएंगे और एक इस तरीके से ट्राइंगल शेप बन जाएंगे, कुछ समोसे की जो शेप होती है वो यहाँ पर बन जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लेंगे 9 इंच की चौड़ाई लेते हुए निशान लगाएंगे, तो ऊपर से आ रहा है ये 13.5 इंच। 13.5 इंच आपको इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर जो कमर थी वो 6.5 इंच थी, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा रखना है। यहाँ पर मैंने इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो 10 इंच आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम गैदर्स बनाएंगे तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और नीचे की साइड जो लेंथ होंगी वो होंगी 31 इंच। यहाँ पर देखें जो कमर की निशान लगाया उससे नीचे की साइड 31 इंच का निशान लगाया, ऊपर कोने पर रखेंगे और बिल्कुल गोलाई में निशान लगाएंगे। अगर इस तरीके से निशान लगाते हैं तो एकदम परफेक्ट आता है, ना छोटा ना बड़ा ना कहीं से लटकता है ये। अब थोड़ा सा इधर की साइड फैब्रिक कम था तो वहाँ पर मैं जॉइंट डाल लूँगी, ठीक है, और उसकी कटिंग। तो देखिए यहाँ पर कटिंग कर ली है और ये देखिए ये यहाँ पर जॉइंट है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही फैब्रिक यहाँ पर हमें जॉइंट डालना पड़ेगा वरना तो काफ़ी अच्छा घेर बनकर तैयार हुआ है। कमर से ये देखो काफ़ी चौड़ा यहाँ पर मैंने रखा है क्योंकि मैं इस पर गैदर्स बनाऊँगी। गैदर्स बनाने से ना बहुत ही अच्छा एकदम फूला फूला सा एकदम फ्लेयरी सा हमारा गाउन बनकर तैयार होगा। तो देखिए जो नीचे जॉइंट थे उन पर मैंने सिलाई लगाकर उनको अटैच कर लिया है। अब ये देखिए उसको इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पर हमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है बराबर मिलाते हुए। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर गैदर्स करनी है, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड से बराबर मिलाएंगे और यहाँ पर हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। एकदम बराबर मिलाते हुए आपको पीछे से हल्का सा खींचना है ताकि कपड़े में कोई भी सिलवट ना आए, ये कोई भी झोल नज़र ना आए। तो यहाँ पर हम नीचे तक ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे, साथ ही हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगाकर तैयार करेंगे और ऊपर कमर वाली साइड पर हमें गैदरिंग करनी है। ये देखिए दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए ऊपर कमर वाली साइड है तो यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी से प्लेट्स बनाएंगे और इस पर हमें करनी है गैदरिंग। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ आप गैदरिंग सुई धागे की हेल्प से भी कर सकते हो, ज़रूरी है कि मशीन से ही करनी है। सुई धागे से भी बहुत ईजिली हो जाती है, मशीन से भी बहुत ईजी हो जाती है, आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करके कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो साइड की फिटिंग की सिलाई लगा दी, ऊपर गैदर्स बना दिए तो इसको अलग रखेंगे। अब यहाँ पर लूँगी मैं ये प्लेन वाला जो नेट यहाँ पर मैंने लिया था, हमारा आधा मीटर लग गया स्लीव्स में, आधा मीटर के करीब ही मेरा स्लीव्स में लगा है। और जो बाकी 9.5 मीटर बचा है ये वो फैब्रिक है जिसमें से मैं यहाँ पर नीचे का फ्लेयर कट करूँगी, जो ऊपर की लेयर्स होंगी ना वो यहाँ पर कट करना है। तो यहाँ पर मैं लूँगी 31 इंच, 31 इंच की लंबाई लेंगे, 31 इंच की लंबाई लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे। 3.3 मीटर की मुझे 3 लेयर कट की है मैंने टोटल फैब्रिक में से, ठीक है। एक लेयर हमारी 3.75 मीटर के करीब की है क्योंकि 9.5 मीटर फैब्रिक था। अब ऊपर की साइड गैदरिंग करेंगे और साइड में फिटिंग की स्टाइल लगाकर तीनों ही लेयर को तैयार कर लेना है। हमने साटन वाला लाइनिंग तैयार कर लिया, नेट की गैदर्स बनाकर भी तैयार कर ली, उसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पर अंदर का जो लाइनिंग होगा उसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे। 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई है, ठीक है, इसको मैंने डबल करके रखा है, 1.5 मीटर का ये फैब्रिक है। अब इसको विड्थ वाइज इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फैब्रिक जो है वो 4 फोल्डेड हो जाएगा,
अब यहाँ पर नीचे के साइड में किनारी रखूँगी तो मैं नीचे से फोल्ड करने का एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ क्योंकि इस पर किनारी आ रही थी उतनी ज़रूरत नहीं है। अब जो तैयार लंबाई थी लाइनिंग की वो थी 31 इंच, तो मैं 2 इंच ऊँचा ही इसको रखूँगी, लंबाई कम लूँगी और यहाँ पर लगाएंगे 12 इंच पर। 12 इंच लिया मैंने और निशान लगाया, इस निशान को नीचे की इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे नीचे तक और इसकी कटिंग कर लेनी है। जो ये कॉटन वाला लाइनिंग है उसको हम यहाँ पर थोड़ा ए लाइन में कट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से आधा मीटर टॉप पार्ट में यूज़ हो गया तो बाकी का मेरा 1.5 मीटर बचा, तो 1.5 मीटर में से मैंने ए लाइन शेप में इसकी कटिंग की। दोनों साइड में इस पर फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और इसी के ऊपर हम अपनी कैन अटैच करेंगे। तो देखें यहाँ पर मैं इसके दोनों साइड पर मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैं कैन लूँगी जिसको मैं यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। एक लेयर होगी मेरी नीचे वाली 14 इंच की और ऊपर की 2 लेयर रखूँगी मैं यहाँ पर 13-13 इंच की। तो मैं पहले इसको कट कर लेती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इस पर निशान लगाएंगे, तो देखें यहाँ पर हम नीचे से मार्क करेंगे 14 इंच पर और सीधी लाइन यहाँ पर हम बना लेंगे। अब इससे ऊपर एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर, ये देखिए इतनी 3.5 इंच लंबी होंगी, तो यहाँ पर मैं लगाया 3.5 इंच पर और एक निशान लगाएंगे उससे ऊपर 4 इंच पर। नीचे वाली 14 इंच है, उससे ऊपर वाली 3.5 और सबसे ऊपर वाली मैंने निशान लगाया 4 इंच पर। ये मैंने 3 लाइन्स बना ली है। अब देखें जो नीचे वाली लेयर है हमारी वो है यहाँ पर 14 इंच की इसकी लंबाई है और इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स बनाते हुए हमें अटैच करना है। इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी दूसरी लेयर, इस पर भी इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही तीसरी लेयर लगाएंगे। आप 2 लेयर भी लगा सकते हो लेकिन जितना अच्छा घेर फूला फूला फ्लेरी सा लगेगा ना गाउन उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो देखें यहाँ पर मैंने एक कैन ली है, नीचे वाला निशान है जो हमने 14 इंच पर लगाया था। अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच छोड़ते हुए रखूँगी क्योंकि जब दूसरे पॉइंट को मिलाकर सिलाई भी लगानी है। अब यहाँ पर देखें हम इस पर इस निशान पर इसको रखेंगे और इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। ये देखो आप बॉक्स प्लेट भी बना सकते हो या फिर आप नॉर्मल प्लेट्स बना लें क्योंकि कैन हम इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में लगा रहे हैं इतने छोटे गाउन में कि उससे फ्लेयर खुद ब खुद बहुत अच्छा आएगा। 3 मीटर अगर आप लगाओगे ना बहुत ही अच्छा फ्लेयर आपका दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हमने प्लेन नेट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाई, 10 मीटर मैंने प्लेन नेट यूज़ की है और ऊपर से मैंने 3 मीटर का कैन यूज़ किया। आप देखिएगा बहुत ही प्यारा सा हमारा ये गाउन बनकर तैयार होगा। अब बाकी की दोनों लेयर्स पर भी मैं इसी तरीके से प्लेट्स बनाऊँगी कैन के और इनको यहाँ पर मैं अटैच कर लूँगी। ये देखिए दूसरी लेयर पर भी यहाँ पर मैं इसी तरीके से अटैच करूँगी। तो देखें यहाँ पर मैंने ये अटैच कर लिया 1, 2, 3, ये पहली लेयर, दूसरी और ये तीसरी। इस तरीके से कॉटन के लाइनिंग पर मैंने इनको अटैच कर लिया है। बहुत ही बेसिक तरीके से हमारे सारी लेयर्स बनकर तैयार हो गई। ये देखिए नेट वाली लेयर है, एक ये है और इसके नीचे मैंने 2 लेयर्स रखी है, 1 और 2। 2 लेयर को मैंने एक जगह ज्वाइंट कर लिया ऊपर के साइड सिलाई लगाकर, कमर वाली जो हमारी गैदरिंग है वहाँ से मैंने दोनों को एक साइड जॉइंट कर लिया ताकि एक जगह जॉइंट रहेंगे ना तो आसानी होंगी हमें अटैच करने में टॉप पार्ट पर। अब देखें यहाँ पर ये जो हमने साटन वाला जो लाइनिंग कट किया था उसको हम नेट के अंदर इस तरीके से डालेंगे। ये 2 लेयर है नेट की साटन के ऊपर, अब ये तीसरी लेयर में डालूँगी। ये देखो इस तरीके से, तो ये 4 लेयर होगी, 3 लेयर हमारी नेट की है और 4थी लेयर हमारी यहाँ पर साटन की है। इसके बाद यहाँ पर हम अपना कैन वाला जो हमने लाइनिंग तैयार किया है ना इसको इसके अंदर डालेंगे। काफ़ी ज़्यादा इतना अच्छा इसका फ्लेयर आप देखेंगे, इतना फूला फूला सा, इतना फ्लेरी फ्लेरी सा आपको लगेगा जब भी तैयार होगा, बिल्कुल एकदम सिंड्रेला वाला। और तरीका आप देखें कितना आसान है, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन जब तरीका आसान हो तो चीज़ों को बनाना और भी आसान हो जाता है। ये देखिए 1, 2, 3 लेयर नेट की हो गई, 1 ये साटन हो गया और ये हमारी कैन हो गई। अब यहाँ पर हम अपना टॉप वाला पार्ट लेंगे और उसको अपने नीचे फ्लेयर में अटैच कर लेंगे। जो हमने फ्लेयर तैयार किया है नीचे का बॉटम टॉप पार्ट यहाँ पर मैंने ले लिया, इस पर सीज मैंने अटैच कर ली है और इन दोनों को अटैच कर हम तैयार कर लेंगे।
तो इन सभी लेयर्स को, यानी कि जो हमने नीचे का फ्लेयर तैयार किया है, इसको बॉटम को टॉप के साथ अटैच कर कर हम इसको रेडी करेंगे। टॉप और बॉटम को अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने ये नेट ली है, जो बाकी की मेरी नेट बची थी मैंने इस तरीके की नेट ली थी, जिसको ऊपर की साइड ये इस तरीके से फ्लावर का ये पैचेस हो, जिनको मैं पैच के थ्रू बनाकर यूज़ कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मोर्टीन ली है, ये आपके घर में नहीं तो आसपास कहीं भी आपकी शॉप पर ये बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। आपके पास अगरबत्ती हो तो आप अगरबत्ती का यूज़ कर लें। इसके थ्रू यहाँ पर मैं नेट में से कट कर कर इनको निकाल लूँगी। ये देखें जो बाकी का मेरा जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है ना नेट पर, मैं उसकी इसी की हेल्प से कटिंग करूँगी। अगर आपके पास शोल्डरिंग आयरन हो तो आप शोल्डरिंग आयरन ले लें, नहीं तो आप इस तरीके से अगरबत्ती या मोर्टीन से भी कटिंग कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही ईजिली आपको इस तरीके से टच करते हुए जाना है और ये जो नेट है वो खुद ब खुद अलग हो जाएगा। ये देखिए इसके थ्रू हम यहाँ पर नेट की कटिंग कर लेंगे और मैं इसमें से इसी तरीके से ये एम्ब्रॉयडरी वाले जो पार्ट है, जो पैचेस हैं, वो मैं कट कर कर निकाल लूँगी। आप चाहें तो सीज़र से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि नेट है, नेट के ना तो धागा निकलेगा, लेकिन सीज़र से ज़्यादा इस तरीके से आसान होता है। आपको इस तरीके से हल्का हल्का टच करना है और वो खुद ब खुद नेट इस तरीके से अलग होती जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से कटिंग कर कर ये फ्लावर का जो पैच है इसको यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो देखो मैंने सभी की यहाँ पर कटिंग कर ली है, जितने भी पैच नेट में बाकी थे मैंने 1 मीटर यूज़ की थी। टॉप पार्ट में यूज़ होने के बाद जो भी बचे हैं उनका यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। अब यहाँ पर मैंने हैंगर में गाउन को हैंग करते हुए इस तरीके से पैच को इसके नीचे की साइड लगाएंगे फ्लेयर पर, बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपके पास डमी है तो आप डमी पर यूज़ कर लें, लेकिन नहीं है तो आप इस तरीके से जुगाड़ लगा लें। आप कहीं भी हैंगर में कर कर इसको हैंग कर कर उसके बाद जो पैचेस हमने कट किए हैं उनको वेस्ट से नीचे की साइड हम इस तरीके से लगाएंगे और इनको यहाँ पर अटैच करेंगे। बहुत ही प्यारा सा ये सिंड्रेला गाउन बनकर तैयार होगा। ये देखो अभी यहाँ पर मैंने इनको पिन की हेल्प से यहाँ पर अटैच किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने सुई धागा लिया है, सुई धागे की हेल्प से हमें यहाँ पर छोटे छोटे टाके लगाने हैं। छोटे छोटे टाके इस तरीके से लगाकर हम इसको नीचे की साइड नेट पर अटैच कर लेंगे। और इसमें मैं आपको सच बताऊँ तो बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, पूरे दिन में जाकर मैंने सारे पैचेस को सुई धागे की हेल्प से ऐसे ही खड़े खड़े ही इन पर मैंने स्टिच किया था, क्योंकि अगर मैं बैठ रही थी तो कहीं हैंग नहीं हो पा रहा था। क्योंकि बिना हैंग किए अगर आप लगाओगे ना, बिना इस तरीके से कहीं पर लटकाए हुए, तो आपका जो पैचेस है वो सेट नहीं आएंगे। तो मैंने इस तरीके से इनको लगाकर अटैच किया और देखें ये इसका फाइनल लुक है। 3 से 4 दिन की मेहनत के बाद आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। बस इसीलिए थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि ड्रेसेस बनाने में टाइम लगता है।